नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देश भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना। महाराष्ट्र में एक दिन में 9170 नए मामले सामने आ गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई है। मुंबई में भी कोरोना बेकाबू हो चुका है। मुंबई में एक दिन में 6347 नए मामले सामने आ गए हैं। मुंबई में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर का वो दौर भला कौन भुला सकता है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, एम्बुलेंस के इंतजार में दम तोड़ती सांसें, चिताओं की चलती चिंगारी। पूरे देश में फैली महामारी की ये तस्वीरें जब भी आंखों के सामने आती हैं, तो जहन में वो पूरा मंजर घूमने लगता है जिसे हम चाहकर भी मिटा नहीं सकते। वो एक दौर था जो वक्त के साथ बीत गया, लेकिन जंग आज भी जारी है। मुसीबत एक बार फिर सामने खड़ी है। जिसका नाम है ओमिक्रॉन। साल खत्म होने से पहले नए साल को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, वो अब सच साबित होने लगी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में यानी नए साल के पहले दिन कोरोना के 22,775 नए मरीज मिले, जो कि पिछले साल के आखिरी दिन के मुकाबले 36% ज्यादा है। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 189 नए केस सामने आए हैं, यानी देश में अब ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 1430 के पार हो गया है। यह आंकड़ा भले ही आपको देखने में अभी बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन आंकड़े जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुसीबत के आसार हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तो हालात अभी से बेकाबू होने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2716 नए मामले सामने आए हैं, जबकि महज एक दिन पहले ये आंकड़ा करीब 1700 ही था। यानी दिल्ली में सिर्फ एक दिन में ही कोरोना के केस 1.5 गुना बढ़ गए और दिल्ली का कोरोना पॉजिटिविटी रेट 3.64% पर पहुंच गया, जो कि एक दिन पहले तक 2.44% था। दिल्ली में दिसंबर के पहले सप्ताह में पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 0.1% था, जो कि एक महीने में बढ़कर 3.64% हो गया। वजह है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, क्योंकि राजधानी में कोरोना के जितने मामले आ रहे हैं उनमें 50% से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित है। इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जिससे ये साफ होता है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खतरा कितना बड़ा है। तीसरी लहर की आहट, लेकिन हिंदुस्तान में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हिंदुस्तान में पहली जनवरी की बात करें तो 22,731 मामले सामने आए हैं 24 घंटे के अंदर, और ओमिक्रॉन की बात करें तो 1431 है। महाराष्ट्र लगातार पहले स्थान पर 454 मामलों के साथ बना हुआ है। दिल्ली की स्थिति, 351 ऐसे मरीज हैं जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है जीनोम सिक्वेंसिंग से। दिल्ली के साथ साथ मुंबई का भी बहुत बुरा हाल है। महाराष्ट्र में 9170 नए कोरोना मरीज मिले। देश भर के 70% मामले अकेले महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। अकेले मुंबई में महाराष्ट्र के एक तिहाई से भी ज्यादा मरीज हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोविड के 6347 नए मामले दर्ज किए गए। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट लगभग 8% के करीब है, जबकि 55% सैंपल्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल रहा है। यानी मुंबई में कोरोना टेस्ट कराने वाले हर 100 लोगों में करीब 8 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, और इन 8 में से 4 ओमिक्रॉन से संक्रमित। इन आंकड़ों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि देश में रोजाना फिर से 2 लाख से लेकर 4 लाख तक केस आने लगे। क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव प्रदीप व्यास ने आशंका जताई है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक महाराष्ट्र में कोरोना के लाखों मामले सामने आ सकते हैं, यानी कोरोना मरीजों की संख्या करीब 80 लाख हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो 1% मृत्यु दर के हिसाब से भी मौत का आंकड़ा 80,000 लोगों तक पहुंच सकता है।
इन्हीं आंकड़ों ने अब सरकार की नींद उड़ाकर रखती है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर नई एडवाइजरी जारी की, जिसमें राज्यों का स्थायी अस्पताल तैयार करने, होम आइसोलेशन में मरीजों की निगरानी के लिए विशेष टीम बनाने के लिए कहा गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैपिड टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तर पर मेडिसिन और ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को भी कहा है। सरकार ने तो नियम बना दिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है नियमों का पालन, और वो ना सिर्फ हमें करना है बल्कि अपने परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस और गली मोहल्लों में भी लोगों को सावधान और सतर्क करना है, तभी हम आने वाले खतरे का मुकाबला कर सकेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।